दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं 30x30 हाउस प्लान के 30x30 का ये प्लान पूरा आपके साथ डिस्कस करेंगे। बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है जो कि बारंदे के साथ और आपको बेहतरीन सा फ्रंट एलिवेशन देता है। आपको यहाँ पर मॉडर्न हाउस और ओल्ड हाउस दोनों का कॉम्बिनेशन मिलेगा, लेकिन डिजाइन के मामले की अगर बात करें तो आपको बहुत ही खूबसूरत मिलने वाला है। तो चलो इसी को स्टार्ट करेंगे। 30x30 का 900 स्क्वायर फीट में घर बना हुआ है और बेहतरीन सा डिजाइन है। इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल स्मॉल हाउस प्लान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें, साथ साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें जिससे मेरे आने वाले चैनल आपको मिलते रहे। यहाँ पर दोस्तों को किफ़ायती मॉडल मिलते हैं और लो बजट प्लान बनता है। तो चलो आज के वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं, उससे पहले चैनल को फिर से सब्सक्राइब कर लें। तो जैसा कि मैं स्क्रीन पर देखिए दोस्तों आ चुका हूं, आप देख सकते हैं इस मॉडल को। ओवरऑल बहुत ही खूबसूरत प्लान होने वाला है आपका। ओवरऑल देख सकते हैं आपका डिज़ाइन जो कि बहुत ही थोड़ा हट के और यूनिक मिला है, जिसमें बारंदा भी है, बेडरूम्स भी हैं और कॉम्बिनेशन इसमें एक गुमटी का भी कॉम्बिनेशन है जो कि आपके घर में चार चांद लगा देता है। तो फ्रंट तो आपने देख लिया, साइड से ये क्लोज्ड है, 3 साइड क्लोज्ड मकान है, फ्रंट से ही ओपन है। और यहाँ पर एक बेडरूम है आपका साइड में, इधर भी बेडरूम है जिसमें टेक्सचर दोनों के अलग अलग हैं, फ्रंट का टेक्सचर अलग है। और ये भी आपका कुछ गार्डन एरिया टाइप का आपको देखने को भी मिल रहा होगा। ये स्टेयर्स हैं जिससे आप ऊपर जाएंगे। तो बात करते हैं इसके ग्राउंड फ्लोर पर कि क्या क्या बना हुआ है प्रॉपर तरीके से। तो ग्राउंड फ्लोर पर आप जैसे आते हैं तो ये सबसे पहले फ्रंट देख लीजिए, ये आपकी पट्टियाँ लगी हुई हैं डेकोरेशन के तौर पर। विंडो में चारों तरफ एक फ्रेम व्हाइट कलर का लगा हुआ है, इधर भी विंडो में फ्रेम लगा हुआ है, तो ये आपके घर को और एक डेकोरेट और बेहतरीन दे देता है। तो यहाँ पर आप जैसे स्टेयर्स के माध्यम से ऊपर जाएंगे तो आप बारंदे या पोर्च टाइप में चढ़ते हैं। इसके बाद दोनों तरफ क्योंकि बेडरूम्स है तो दोनों तरफ एंट्री के लिए, इधर ये गेस्ट रूम है जिसमें बाहर से डोर और विंडो मैंने दिया है, तो आप इसमें एंट्री करेंगे। ये आपका बेडरूम है तो इसको मैंने अंदर से ही एक्सेस दे रखा है, बाहर से नहीं दिया है। ये मेन डोर है जहाँ से आप एंट्री करेंगे, साइड में विंडो है प्रॉपर वेंटिलेशन के लिए। तो आप जैसे अंदर जाते हैं तो ये देखिएगा बेहतरीन सा डिज़ाइन। यहाँ पर एक कॉर्नर पर एक आपको और बेडरूम मिलता है। इस बेडरूम और उस बेडरूम के बिल्कुल बीचों बीच आपको लेट एंड बाथ देखने को मिल रहा होगा। वहीं बात करें इधर की तो ये आपकी स्टेयर्स हैं जिससे आप ऊपर जाएंगे और इस कॉर्नर पर बड़ा सा आपका किचन और ये एक बड़ा सा डाइनिंग हॉल बीच में आपको मिल जाता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस वाले बेडरूम को एक्सेस करने के लिए अंदर से मैंने डोर दिया है। तो ओवरऑल 3 बेडरूम है यहाँ पर और आपका किचन है, लेट बाथ, स्टेयर्स। तो देखिएगा मैं जूम करके आपको चीज़ें और दिखाता हूँ, इससे चीज़ें आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आए। फ्रंट एलिवेशन आपका एक बेहतरीन सा यहाँ पर डिज़ाइन किया गया हुआ है तो वो भी आपको सही ढंग से समझ में आए। तो ये देखिएगा पूरा। अब बात करते हैं लास्ट फ्लोर की, तो ये लास्ट फ्लोर आप देखते हैं तो ये गुमटी बनी हुई है और इसको मैंने जो स्लोप वाला छत होता है उससे ढका है। और ये आपकी डेकोरेशन के तौर पर ये कुछ मैंने यहाँ पर देखिए मोल्ड टाइप के लगा रखे हैं, आप देख पा रहे होंगे। चारों तरफ 3 फीट का बाउंड्री वॉल, उसी में जिसके बीम का भी डिज़ाइन इसी में मैंने इंक्लूड कर दिया है। तो ये पूरा 30x30 फीट में मॉडल बनकर रेडी हो जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दें। किसी प्रकार के डाउट के लिए कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। साथ साथ वीडियो को लाइक शेयर नहीं किया है तो करें और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें। अगर आप हमारी पेड सर्विस का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नंबर हमारा डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।